हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं ममता सिंह। माय यूट्यूब चैनल ममता है संतोष ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो आज मेरा फर्स्ट पार्ट है और शाम को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 7 और 7 बजे मैं ब्लॉग शाम के टाइम स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग भी बना के छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति पर ध्यान भी दे देती हूँ। और दोनों काम मेरा बहुत जरूरी है, ब्लॉग भी बनाना, बच्चों को पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, लाइफ में पढ़ाई जो कि सबसे आगे काम देगा। अगर शिक्षा है किसी के पास तो फ्रेंड्स काफी वही शिक्षा देती है ज्ञान, जो कि आगे चल के काम देता है। तो पैसा मतलब आना जाना तो पैसा रहेगा, लेकिन जो ज्ञान मेरे पास है वो कोई उसका कोई बांट नहीं सकता। धन दौलत घर जमीन तो सभी बांट लेंगे, जो मेरे पास ज्ञान है या किसी के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी को कोई बांट नहीं सकता। वही ज्ञान आप लोग को फ्रेंड्स जो कि आगे काम देता है। तो फ्रेंड्स वही लोग बाबू पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा बैठे हूँ और थोड़ा सा आप लोग को दोनों काम मेरा बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं, कल मेरे छोटे वाले बाबू का है हिंदी और बड़े वाले बाबू का पेपर है ईवीएस। और दोनों बाबू जो कि याद कर रहे हैं। और मेरे छोटे वाले बाबू का हिंदी में कविता, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा मोबाइल इधर हो गया, और कविता भी आएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो होता है शुरू से मतलब ही क्लास 3 से, सॉरी फ्रेंड्स क्लास 2 में मेरा बाबू है। इसे तो क्लास 1 से ही संज्ञा के बारे में बताया जाता है, क्लास 1 से बताया जाता है। जितने आप ऊपर जाएंगे यही सारे जो कि संज्ञा की भाषा हर चीज वो काम देगा। तो अभी मेरे बाबू को मिला है संज्ञा, मिला है ना, संज्ञा मिला है और क्या लिंग मिला है, भाषा मिला है और सारी चीज़ें मिला। और कविता भी 8 लाइन लिखना है। तो आप लोग को थोड़ा सा मैं ब्लॉग में डाल दूंगी जितना याद करता है। एक छोटा सा लैपटॉप है उसी पर लिखता है। आप लोग को सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगी। अभी फ्रेश, अभी रोटी भी मतलब खाना भी नहीं बना है और बाबू लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे, गर्मा गर्म हम लोग खाएंगे। तो चलिए पूछते हैं बाबू को, और हंस रहा है हमारे पास। तो चलिए पूछते हैं बाबू से। फ्रेंड्स बता दूं आप लोग को कि प्रश्न भी उत्तर आएगा, तो प्रश्न लिखा रहेगा, बाबू को उत्तर भी लिखना पड़ेगा, तो ही उत्तर देख सकते हैं यहाँ पर है। और फ्रेंड्स बता दूं कि मेरा बाबू आज रफ कॉपी में लिखे थे ना, कविता लिखा था उस पर, जो कि मैम जी इनकी गुड दी थी, बिना देखे हुए लिखा था। तो गुड भी लिखा मतलब गुड मिला है, तो आप लोग को मैं थोड़ा दिखा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बाबू के लिए प्रश्न उत्तर पूछ लेती हूँ, देखते हैं कितना यह प्रश्न हम पूछेंगे और उत्तर बाबू मेरा देगा। तो नौजवान ने बच्चों को बचाने के लिए क्या किया? नौजवान ने बच्चों को बचाने के लिए अपने कपड़े को उतार कर पानी में कूद गया। मुसीबत से कैसे छुटकारा मिल सकता है? मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हमें व्यक्ति हमेशा साहस से काम लेता है। वेरी गुड। और बड़े वाले बाबू दो, तुम भी तुम्हारा दो इंग्लिश, अच्छा हम पढ़ लेंगे। नहीं दो इंग्लिश दो, इधर नहीं पूछेंगे तब तो समझ में आएगा कितना याद किए हो तुम। लो अभी और हनुमान जी को मंदिर का करो भैया, अरे बाप रे बाप, सुबह दही चीनी खिला देंगे तब जाना, तब तुम्हारा पेपर रोज का रोज याद करो। मेहनत करोगे मेहनत ही तुमको काम देगा, जब मेहनत करोगे तो तुम्हारा नंबर भी अच्छा आएगा, क्यों नहीं फ्रेंड्स? अगर कोई मेहनत करेगा तो उसका नंबर तो अच्छा आएगा ही। और जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में, एडिट करने में जितना टाइम लगाती हूँ, तो कभी कभी तो कभी न कभी तो मेरा भी नसीब खुलेगा कि आप लोग का अगर इसी तरह सपोर्ट रहेगा तो हम भी आगे निकलेंगे, हम भी जाएंगे। हम तो इसीलिए मेरा बाबू भी पढ़ेगा तो अच्छा आदमी बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, और जो मेहनत करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। तो ठीक, मेरा बाबू बोल रहा है कि हम जाए कल शंकर मतलब बजरंग बली के मंदिर पर, तो घर के माता पिता का सिवा लेके जाओ, वही आपका नंबर बढ़िया आएगा। सच में माता पिता के आशीर्वाद से, दादा दादी के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से ही बच्चे आगे जाते हैं। उसके बाद भगवान का नाम लो और लिखो, आगे बढ़ जाओगे। हाँ लेकिन ईमानदारी से, चोरी से नहीं, नकल मार के नहीं। नो नकल मारोगे तो कोई नहीं आएगा। नहीं नकल से नहीं, ईमानदारी से अच्छे से, झूठ पहली तो बार बार झूठ नहीं बोलते हैं अच्छे बच्चे हर चीज। हाँ झूठ बोलते हैं? नहीं तुम नहीं झूठ, तुम तो अच्छे बच्चे हो। कहाँ झूठ नहीं बोलते, स्कूल में क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलता है स्कूल में, तुम झूठ बोलो। जो जिसका भला हो, अगर किसी का भला हो रहा तो वहाँ झूठ बोल दोगे तभी वो झूठ नहीं कहेगा। हाँ जहाँ अगर अच्छी, जहाँ अच्छा मतलब जहाँ बुरा। फ्रेंड्स मैं बड़े वाले बाबू का पूछने चल रही हूँ, देख सकते हैं इंग्लिश है, ईवीएस है। कल ईवीएस है ना जी, ईवीएस है ना, क्या मार रही हो? क्यों नहीं मारेंगे, ये कल ईवीएस है। तो चल देखते हैं कितना मतलब याद है।
चलो जी कुकिंग। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर बाबू पर मेरे बाबू के बुक में मिला है गुड, जो कि पोएम लिखा है बिना देखे हुए, और कविता तो देख सकते हैं जो कि गुड मिला है आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। रे सूरज गोल पृथ्वी के पूरब की ओर लाली को बिखराता है, सूरज ऐसे आता है उठ जाता है जग सारा, दिस होता है कितना प्यारा, प्यारा काट है। और ये छोटे वाले बाबू का है देख सकते हैं, इस पर पूरा टाइम टेबल लिखा है ये कौन कौन सा सब्जेक्ट का है। तो छोटे वाले बाबू का देख सकते हैं कल हिंदी है, और उसके बाद 13 तारीख को है EBS, 14 को कंप्यूटर, 16 भाषा किसे कहते हैं, अपने मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर सुनकर लिखकर पढ़कर भाषा। मतलब हम सब गलत बोल रहे हैं, तुम सही बोल रहे हो। हाँ गलत। बेकिंग BAKING बेकिंग मिस बताओ क्या होगा। सीखना। तो फ्रेंड्स मेरे बाबू का जो मतलब कि याद मतलब हो गया है, पूछ और मैं बाबू के पूछ रही हूँ, और उसके आगे का यात्रा जो आएगा आंसर भी आएगा ना, आंसर भी याद करो। और छोटा वाला बाबू अपना हिंदी याद कर रहा है, बड़ा वाला बाबू EBS याद कर रहा है। तो चलिए मैं बाबू लोग को अब याद कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हो खाने को। बाबू लोग पढ़ लिए हैं तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, घड़ी बज रहे हैं 8:30। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं बनाई हूँ दही बड़ा, आप लोग को मैं बैक कमरे से दिखा दूँगी। और यहाँ पर रायता बनाई हूँ, 2 रोटी, थोड़ा सा सब्जी नेनुआ आलू की सूखी सब्जी। तो हम लोग खाने जा रहे हैं और बाबू लोग को भी खिलाएंगे, तो आप लोग को मैं बैक कमरे से दिखाती हूँ अपना खाना। तो आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी हमारे यहाँ आ जाइए। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 रोटी ली हूँ, आलू और नेनुआ की सूखी सब्जी, दही बड़ा और रायता। फ्रेंड्स तो बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। और मैं तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्ते, और घड़ी में बज रहे हैं 5 और मैं फ्रेंड्स उठ चुकी हूँ, और मेरा ये दूसरा भाग है फ्रेंड्स। तो बाबू लोग उठे और अपना जो कि याद कर रहे हैं, आज से पेपर स्टार्ट है। तो बाबू लोग ही 4 बजे उठ गए थे और मैं उठी 5 बजे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट में सोई थी फ्रेंड्स इसीलिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं रख दी हूँ चाय बनाने के लिए, और मैं बाबू लोग का टिफिन बनाने के बाद आप लोग को मिली। पुरुष और स्वभाव स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंक कहते हैं। बता दूंगी जब भी मैं बाबू लोग का टेस्ट या कुछ भी हो पढ़ाई हो, तो मैं इसी तरह घर पर मतलब पढ़ाई कराती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चों को मतलब इसी तरह मतलब जो याद है उसको याद करने पर थोड़ा लिखवा दीजिए या करिए। लिखवाने से होता है फ्रेंड्स कि जो कि हिंदी है या इंग्लिश है कोई सब्जेक्ट हो, उस जो कि आप अच्छे से मतलब जो कि गलत मात्रा हो या गलत इंग्लिश हो, तो उसमें जो कि आप लोग घर पर ही सुधार कर सकते हैं ना, तो उससे भी नंबर कटता है बच्चों लोग का। अगर एक भी मात्रा गलत हो गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। तो इसलिए मैं बच्चों अपने बाबू लोग को मैं घर पर मतलब एक बार याद करवाती हूँ, उसके बाद फिर लिखवाती हूँ, फिर याद करवाती हूँ, फिर लिखवाती हूँ। तो एक कार्यक्रम मैं 3 बार करती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से जो कि बाबू लोग को याद भी हो जाता है, और अच्छे से शुद्ध हिंदी इंग्लिश मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो फिर अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैं आप लोग को मैं बताई कल शाम को मतलब कैसे मैंने सोचा कि आप लोग को मैं ब्लॉग बना रही, तो कुछ अलग बनाऊँ जो कि बच्चों को मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तो पढ़ाई के मतलब मेरे वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तो आप लोग को मैं बताई भी हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखा करिए, अगर पूरा देखेंगे तभी तो मालूम चलेगा मैं ब्लॉग में क्या डाली हूँ। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तो मैं आप लोग को मतलब आप तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मतलब एक थैंक यू तो एक छोटा शब्द हो गया। और मतलब कि मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, अगर आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है तो हमको काफ़ी अच्छा मिलता है, और फैमिली का बच्चों का और इस मतलब और सभी लोग का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बाबू जब स्कूल से आएगा तो आप लोग को मैं उससे पूछूंगी कि देखते हैं कितना किया है, मतलब लिखा है कितना नहीं, तो आप लोग मैं अपने ब्लॉग में भी दिखाऊंगी। तो मेरा ब्लॉग मैं मतलब कल मतलब मैं ब्लॉग बनाई हूँ फ्रेंड्स, मैं बच्चों को किस तरह रिविज़न कराती हूँ मेरा ब्लॉग उसी पर रहेगा। तो मैं आप लोग को सारी चीज़ें तो दिखाती हूँ, घर पर किस तरह कार्य करती हूँ, खेत में किस तरह कार्य करती हूँ, घर को किस तरह संभालती हूँ, बच्चों को किस तरह संभालती हूँ, ये तो सभी लोग करते हैं।
रेफरेंस, तो मैंने सोचा थोड़ा बच्चों को किस तरह मैं पढ़ाती हूँ अपने वीडियो के साथ साथ, कि मेरे बच्चे जो कि पढ़ाई भी बहुत जरूरी रेफरेंस, क्योंकि मेरे बच्चे 2 और 3 क्लास में हैं अभी, थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो ऊपर जाकर और अच्छे से पढ़ेंगे, और हमको ध्यान भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि इसी समय बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। और ऐसे भी फ्रेंड्स आप लोग को बता दो, बच्चों को कहना भी नहीं पड़ता है कि उठिए पढ़िए, अपना टाइम फिक्स किए हैं उसी टाइम पर पढ़ते हैं, और हम भी उन लोग के पास में बैठते हैं तो वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स आज इसी पर रहेगा, बच्चों को किस तरह मैं, बाबू लोग आएंगे तो आप लोग को सामने मैं पूछूंगी कि कितना किए हैं, कितना गलत, कितना सही, आप खुद जान जाएं कि मेरे बच्चे किस तरह किए हैं। और आप लोग जो मैं बताई फ्रेंड्स कि 3 बार बच्चों को याद करवाइए, 3 बार लिखिए, तो उससे जो होता है राइटिंग भी बहुत ही अच्छा बनता है, और जो कि हिंदी हो या इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट हो, मतलब वो की मात्रा भी आप लोग ध्यान दे सकती हैं, इससे भी नंबर कम कटता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हैं मैं बार बार एक ही बार बोल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, हो सकता है मैं एक ही बार 2 बार में रिपीट कर दे रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो बच्चे आएंगे फ्रेंड्स का करीब 11:30 बजे, तो आप लोग को मैं वीडियो मतलब ब्लॉग बनाऊंगी सामने, और पूछूंगी भी, तो आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स बच्चे मेरे घर आ गए, पेपर देकर पूछते हैं पेपर कैसा हुआ। यस एकदम गुड गुड। तुम्हारा बिट्टू गुड। लाओ देखे पेपर देखा। एक छोड़ दिया है। क्यों जी? नहीं था बुक में। अच्छा बुक में नहीं था, अलग था, तो चलिए छप गया। चलिए लाइए दिखाइए पेपर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए मेरे छोटे वाले बाबू का है हिंदी, और कितना है राव देखिए इधर इसे करो, 6 नंबर है वो तो देख रहे हैं, मतलब 6 प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, और इसमें मतलब बाबू को टिक लगाना है। वन से पहले आगे लिखना है शब्दार्थ, मधुर स्वर का क्या होगा बाबू? मधुर स्वर मीठी वाणी। हाँ पुस्तकार का? पुस्तकार। हाँ उपहार। उपहार। उपाय साहस आलसी ये सब का फ्रेंड्स शब्द लिखा रहेगा, आपको अर्थ इसका लिखना है। तो बाबू लिखा है, लिखियो ना। और अपनी पाठ पुस्तक से कोई 8 लाइन की कविता लिखे, तो आप लोग को मैं आगे दिखा दूंगी फ्रेंड्स, बिना देखे बाबू लिख लेता है, लिख लिए हो ना। और फिर सही पर निशान लगाना है, मधु स्वर में कौन गाती है? मधु स्वर में छन्या। हाँ सही पर सही, तो और सही किया है बाबू। निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, सूरज क्या बिखरते हुए आता है? नाली को बिखराते हुए आता है। इसमें सारे किए हो, दिए गए वाक्य में से वाक्यांश में से शब्द लिखिए, परिश्रम न करने वाला। तो फ्रेंड देखिए बाबू लोग गए और थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे कार्टून, और उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे पेपर में, क्योंकि कल है बाबू का आईवीएस। यस तुम्हारा कल कौन सा पेपर है? यस अच्छा संस्कृत, चलो हम बता देंगे। तो बड़े वाले बाबू का है संस्कृत, और छोटे वाले बाबू का ईवीएस ना, ईवीएस। तो आज भी बाबू लोग को मैं इसी तरह याद कराऊंगी कि बहुत ही अच्छे से करते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को समझा करते हैं। वेरी गुड। तो देखिए फिर ये 50 मे का है, तो बाबू मेरा सही सही पूरा किया है, और जहाँ तक है पूरा बता दे रहा है, तो सही किया है। आप लोग को मैं काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा ही पूछी हूँ, और काफ़ी जितना मैं कल बाबू को अपना शॉर्टकट 2 आजमाई थी, मतलब बहुत ही साधारण, बच्चों को बहुत ही झटपट याद हो जाता है, कोई भी टाइम नहीं लगता है, बच्चे पेपर में बहुत ही अच्छे से लिख लेते हैं। तो मेरा बाबू देख सकते हैं सारा बहुत ही अच्छे से लिख के लाया है, और कल है ईवीएस का पेपर इंग्लिश, ईवीएस इंग्लिश है फ्रेंड्स। तो आज था हिंदी, तो हिंदी में सारा चीज़ जो कि देख सकते हैं आप लोगों को पास से भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। और बाबू मेरा सही सही पूरा किया बिट्टू। हाँ आज भी उसको याद करना, लिखना, फिर याद करना, लिखना, तो जल्दी हो जाएगा, तुमको आसान भी रहेगा, जो भी गलत मात्रा इंग्लिश रहेगा वो सही भी कर लोगे घर पर, ऐसे तुम्हारा ये जो कि कटेगा भी नहीं। तो फिर बाबू लोग भी आ गए हैं घर पर, पूछ भी लिए, अभी बड़ा वाला बाबू अपना नहीं दे रहा, कह रहा है शाम को देंगे, देखते हैं कब देता है, और कह रहा है मैं पूरा की हूँ, बताया भी है। तो चलिए बाबू लोग को मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है, और देख सकते हैं फ्रेंड मेरा जो कि बाल बहुत छोटा है, तो मैं अपना ये लगाई हूँ, और चलिए खाना दे देते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक कर दिया करिए, और सपोर्ट भी कर दिया करिए, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, और आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखा करिए, और पूरा वीडियो देखा करिए प्लीज़। तो आप लोग को मैं प्यारा प्यारा ब्लॉग लाती रहूँगी, और शॉर्ट वीडियो भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, और लॉन्ग वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।